बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मेरे बेटा जो एग्ज़ाम्पल हमारी रह गई थी उस पर स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बेटा बुक का पेज नंबर 80 खोल लें। बुक पेज नंबर 80। तो बेटा उस पर हमने जो करनी थी वो एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी थी 13.3। बेटा बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एक दो दफ़ा मुल्तान बोर्ड दे चुका है। इसमें वो क्या कह रहा है ज़रा गौर से देख लें। 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 5 माइक्रोफेरेड आर अरेंज इन पैरेलल कम्बिनेशन विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट वेयर 1 माइक्रोफेरेड दिस द टोटल कैपेसिटेंस ए फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें हमें वो क्या कह रहा है कि आपको 3 कैपेसिटर दिए हैं जिनकी कैपेसिटेंस 3, 4 और 5 माइक्रोफेरेड हैं, और ये जिस अरेंजमेंट में आपस में कनेक्ट है इन्हें पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। ये साइड में डायग्राम भी नज़र आ रही है आपको। तो इसमें क्या है कि इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, आपने टोटल कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करनी है, और वोल्टेज जो हर कैपेसिटर के अक्रॉस है वो भी फाइंड आउट करना है, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को भी फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले हम अपने गिवन डाटा में देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले हमें C1 गिवन है। C1 कितना है बेटा हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब क्या होगा बेटा 10^-6। इसी तरह से C2 हमें बेटा 4.0 माइक्रोफेरेड गिवन है, माइक्रो का मतलब 10^-6, 4.0 × 10^-6 फेरेड। तो बेटा ये C2 हो गया। इसी तरह से C3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5.0 × 10^-6 फेरेड। बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो आपको 6 वोल्ट दिए हुए हैं। आपको जो फाइंड आउट करना है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सबसे पहली चीज़ CEQ फाइंड आउट करना है, उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, यानी कि V1 भी फाइंड आउट करना है, V2 भी फाइंड आउट करना है और V3 भी फाइंड आउट करना है। और बेटा आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको कैपेसिटर अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी फाइंड आउट करना है, यानी Q1 भी फाइंड आउट करना है, Q2 भी फाइंड आउट करना है और Q3 भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए बेटा, आपने पैरेलल कम्बिनेशन में ये पढ़ा भी था, CEQ इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन CEQ इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। अब बेटा आपके पास C1 क्या है 3 माइक्रोफेरेड, माइक्रो में लिख लेता हूँ मैं 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। तो बेटा 3 + 4 = 7, 7 + 5 12 माइक्रोफेरेड में बेटा आपके पास आंसर निकल आएगा। अब बेटा इसके लिए जो रीज़न देनी है वो यही देनी है जो यहाँ बुक पर लिखी हुई नज़र आ रही होगी, एज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज विच इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। क्या मतलब बेटा कि तमाम जो कैपेसिटर होते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और उनके नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से जो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज होती है वही वोल्टेज होगी। तो वोल्टेज इज सेम एज बैटरी वोल्टेज। तो ये बेटा दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ। अब V1, V2, V3 की कोई बात नहीं है, इसका मतलब तीनों वोल्टेज आपस में इक्वल होते हैं पैरेलल में, और इक्वल किसके होते हैं बैटरी वोल्टेज के। अब बेटा थर्ड पार्ट देख लेंगे, Q1
आपने जो फाइंड आउट करना है वो होता है सी वन वी वन, लेकिन क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है आप ये बात जानते हैं कि पैरेलल में क्या होगा, वी होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो क्यू वन फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटेंस क्या है, 3 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई बाय बैटरी वोल्टेज यानी 6 वोल्ट। तो 3 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18 मल्टीप्लाई 10^-6 फैरेड और वोल्ट कोलम बन जाता है, तो ये 18 माइक्रो कोलम भी बन सकता है। आपकी बुक वाले ने इसको 18 माइक्रो कोलम ही आंसर दिया है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से उसने कहा सिमिलरली सॉल्विंग करने से, यानी कि Q2 आप निकालेंगे C2V से, C2 क्या है बेटा 4 × 10^-6 और ये आपके पास 6 वोल्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 24 माइक्रो कोलम बन जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली Q3 क्या हो जाएगा, C3V। तो बेटा C3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 μF × 6 वोल्ट। 5 6 क्या होता है बेटा, 30 होता है, तो 30 वोल्ट। तो बेटा ये Q3 भी आपके पास निकल रहा है। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि C1 3 μF था, C2 4 μF था, C3 5 μF था, बैटरी के वोल्टेज 6 वोल्ट थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर पैरेलल कम्बिनेशन में फाइंड आउट करना था, बैटरी के वोल्टेज कैपेसिटर ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करने हैं, ईच कैपेसिटर के अक्रॉस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करना है। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, CEQ C1 + C2 + C3 के इक्वल होता है, क्योंकि इसको का 3 ही है तो लिहाजा हम तीनों को ऐड कर देंगे, 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12 आ जाता है। वोल्टेज जो होते हैं पैरेलल केस में बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होते हैं, लिहाजा सबके अक्रॉस V1 V2 V3 में 6 वोल्ट ही आएगा, जबकि चार्ज का फॉर्मूला Q = CV होता है, अगर Q1 करें तो C1 V1 होता है, लेकिन क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है और हमने अभी ये बात बताई है कि V1 V2 V3 बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है, तो लिहाजा हम 6 वोल्ट डालेंगे, यहाँ पर 3 6 = 18 हो जाएगा, -6 होता है और उसका साइन हमने दोबारा डाल दिया। सिमिलरली आपने 4 6 = 24 निकाल लिया, इसी तरह से 5 6 = 30 वोल्ट आपने कोलम निकाल लिया बेटा। तो ये बेटा आपका सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 13.4 एग्जांपल देख लें बेटा, तो 13.4 की स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ बुक पर भी देख लें इसको। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद कैपेसिटी 3 μF, 4 μF, 5 μF आर अरेंज इन सीरीज कम्बिनेशन, यानी कि डाटा अब पहले वाला ही है लेकिन कम्बिनेशन चेंज हो चुका है, अब पैरेलल कम्बिनेशन की जगह पर सीरीज कम्बिनेशन आ गया है। तो इसके बाद उसने क्या कहा, बैटरी के वोल्टेज भी वही हैं और फाइंड आउट भी आपको टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि सिमिलर चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है जैसा कि आपने पहले वाले में की है। तो डाटा भी वही है, बस कम्बिनेशन की चेंजिंग आ गई है। ठीक है बेटा, तो आप ज़रा देख लें इस बात को। तो इसमें एग्जांपल 13.4 में सिर्फ कम्बिनेशन बेटा आपका चेंज हुआ है, C1 वही है 3 μF, C2 आपके पास 4 μF और C3 आपके पास 5 μF। बैटरी के वोल्टेज बेटा वही आपके पास 6 वोल्ट है, आपको उसी तरह से CEQ फाइंड आउट करना है, आपको बैटरी के वोल्टेज भी कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी फाइंड आउट करने हैं, और आपको हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है क्वांटिटी ऑफ चार्ज वो भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आप देख ले ज़रा, ये कम्बिनेशन है, ये इसकी डायग्राम नज़र आ रही है आपको। ठीक है बेटा, तो इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, रेसिप्रोकल शेप वाला फार्मूला था, तो हम पुट कर लेते हैं 1/CEQ = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो बेटा वैल्यूज की पुटिंग करेंगे, 3 μF
4 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को तो आप कॉमन ले लें ताकि आप आसानी से 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 को सॉल्व कर सकें। तो बटन कैल्शियम ले लेंगे, तो बटन कैल्शियम 60 निकलेगा। तो आप 60 को जब आप 3 पर डिवाइड कराएंगे तो आंसर 20 आएगा, तो यहाँ आपके पास 20 आ जाएगा। इस तरह 4 को 60 पर डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर 15 आएगा। इस तरह 5 को जब 60 पर डिवाइड कराएंगे आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व करें आप तो बेटा ये आपके पास जो है वैल्यू 47 बन जाएगी। याद रखने वाली बात क्या है कि बेटा आपको CEQ फाइंड आउट करना है, 1/CEQ फाइंड आउट नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे उल्टाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वाली नीचे वाली टर्म को ऊपर लेकर जाऊंगा और ऊपर वाली टर्म को नीचे लेकर आऊँगा, मैथ में बेटा ये थर्ड चैप्टर में आप इन्वर्टेंडो थ्योरम के नाम से पढ़ेंगे, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे वाले स्टेप को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ऊपर वाले स्टेप को नीचे लेकर आ रहा हूँ। बेटा आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर 1/3 माइक्रोफेरेड। तो बेटा ये आपकी इक्वेट कैपेसिटर नज़र आ गई। लास्ट टाइम मैंने आपको जब ये आर्टिकल समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेट कैपेसिटर का आंसर होगा वो हर दी गई इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम होगा। तो आप देखें जो इन सब का सम आया है 1/3, वो 3 से भी कम है, 4 से भी कम है और 5 से भी कम है। जबकि पैरेलल केस में क्या होता है, वो हर एक से ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 12 3 से भी ज़्यादा है, ये 12 4 से भी ज़्यादा है, ये 12 5 से भी ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं चार्ज को। तो चार्ज के लिए बेटा आप वही बात लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो बेटा क्यू इज इक्वल टू सी वी का फार्मूला लगाएंगे, तो सी समराज सी ई क्यू है जो कि आप ऊपर फाइंड आउट करके आ चुके हैं, और वोल्ट से मुराद बैटरी के वोल्टेज हैं। तो बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.8 माइक्रो कूलम। अब क्योंकि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज के गुजरने का रास्ता एक होने की वजह से सबके अक्रॉस चार्ज यही जाएगा, यानी Q1 का आंसर भी यही होगा, Q2 का आंसर भी यही होगा और Q3 का आंसर भी यही होगा। उसके बाद बेटा वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होते हैं तो लिहाजा हर एक का अलग अलग वोल्ट फाइंड आउट करने होंगे, और वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए भी क्यू इज इक्वल टू सी वी वाला फार्मूला ही यूज किया जाएगा। जैसा कि Q1 इज इक्वल टू C1V1 होता है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, तो ये चीज़ कुछ यूँ बन जाएगी। और अगर आप V1 निकालना चाहते हैं तो C1 वाला फैक्टर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा V1 आपका, Q की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 7.8 माइक्रो कोलम डिवाइड बाय C1 की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास, 3 माइक्रो फेरेड। तो ये 3.0 माइक्रो फेरेड। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास जो आंसर निकलेगा वो आएगा 2.6 वोल्ट। ये बेटा V1 निकला है, इसी तरह से V2 को फार्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा Q/C2, उसमें भी 7.8 माइक्रो कूलम पुट किया जाएगा, C2 की जगह पर 4.0 पुट करेंगे आप माइक्रो फेरेड में। सॉल्व करने के बाद बेटा आपके पास आंसर आएगा 1.95 वोल्ट। बेटा इसी तरह से V3 भी फाइंड आउट करेंगे Q/C3,
तो इसमें क्या करना होगा बेटा आपको, उसी तरह से 7.8 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 4.0, सॉरी अब ये 5 आ जाएगा माइक्रो फेरेड, इसे बेटा सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो बेटा एक दफ़ा फिर न्यूमेरिकल को समझ लें अच्छे तरीके से, ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाता होता है, आपको सारा डाटा वही है, बस अब सीरीज़ कम्बिनेशन से फाइंड आउट करना है। सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का फार्मूला डिफरेंट होता है, वो रेसिप्रोकल शेप में होता है, 1/3, 1/4, 1/5, आप इन सब में से माइक्रो को कॉमन निकाल लेंगे, इन सब का रेसिप्रोकल का एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम 60 बनता है, और उसके अतबार से हमने जब सॉल्व किया तो ये पुटिंग वैल्यू हमारे पास ये आएंगी, इन सब का सम 47 आएगा। हम इन्वर्टेंडो मैथ का थ्योरम लगाएंगे, थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे उसको, तो इसको उल्टाएंगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, 60/47 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 1.3 माइक्रो फेरेड। इसी तरह से बेटा चार्ज, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है तो चार्ज के फ्लो करने का रास्ता एक होने की वजह से चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, तो इसलिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज के जरिए से टोटल क्वांटिटी ऑफ द चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास आंसर 7.8 माइक्रो कूलम निकल आएगा। अब बेटा V1 निकालने के लिए आपको फार्मूला Q1C1V1 लगाना पड़ेगा, सीरीज कम्बिनेशन की वजह से आप जानते हैं कि Q होगा तो C1 वहाँ जाके डिवाइड होगा, हमने 7.8 Q की वैल्यू थी, C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड थी, कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व करेंगे तो 2.6 आंसर आएगा। इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, 1.95 आंसर आएगा, और इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व किया, 1.56 आंसर आएगा। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, मैं यहाँ से रेज करता हूँ, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने आमतौर पर अभी पढ़कर आए हैं, ये डिज़ायरेबल नहीं होता जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को स्टोर करवाना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर करना चाहते हैं तो आपको उसको सिलिंड्रिकल शेप के अंदर रोल करना पड़ता है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं और उसके दरमियान एक ग्रीस किया हुआ पेपर, इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पेपर कैपेसिटर भी कहते हैं, तो ये ग्रीस किया हुआ पेपर बीच में या प्लास्टिक रखकर इसकी जो दोनों मेटालिक फॉइल्स हैं उनको काफ़ी बड़ी होती हैं उन्हें रोल करके एक प्लास्टिक की केसिंग में पुट कर दिया जाता है और उसके दो एंड से दो टर्मिनल निकाल लिए जाते हैं जिसकी मदद से फिर उनको कनेक्ट करके आप इसमें चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। और कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं, ये बात बेटा आप हाईलाइट भी करेंगे, यहाँ ज़रा गौर से देख लीजिएगा, सम अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्ज, कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं जो केमिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं, इस तरह के कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहा जाता है। उसके बेटा बाद कैपेसिटर की दो टाइप होती हैं, एक होता है फिक्स टाइप मेजर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, एक होता है फिक्स कैपेसिटर और एक होता है बेटा वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा फिक्स कैपेसिटर में क्या होगा, आपका पेपर कैपेसिटर जिसको अभी हमने डिस्कस किया वो आ जाएगा इसके अंदर, और इसकी एग्जांपल में आपका माइका कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो अब ये फिक्स कैपेसिटर क्या होता है और वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, बेटा ये जो नई बुक मेरे पास मेरे हाथ में मौजूद है इस बुक्स में इनकी डिफाइन नहीं दी हुई, तो आप समझ लें और इसको अच्छी तरह से, फिक्स कैपेसिटर आर द टाइप ऑफ कैपेसिटर हुज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो ऐसे टाइप ऑफ कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज ना किया जा सके उसे फिक्स कैपेसिटर कहते हैं, इसकी एग्जांपल में पेपर कैपेसिटर जिसकी अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाई भी थी बेटा आपको, और दूसरी टाइप जो है वो माइका कैपेसिटर है, माइका को उर्दू में अबरक कहते हैं, इसको कापर सॉरी
दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान बतौर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपने इस तरह के कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ानी हो तो फिर बहुत सारी प्लेटों को डाइलेक्ट्रिक की मदद से इकट्ठा करके सीरीज़ कम्बिनेशन में इनको इनके नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइंट कर दिए जाते हैं और उनके पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंट कर लिए जाते हैं और दो वायर्स बाहर निकाल ली जाती हैं और इस तरह से इन डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी और इन ज़्यादा प्लेटों की वजह से इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बेटा वेरिएबल कैपेसिटर आ जाता है। वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है कि आपको लव से पता लग रहा है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, ऐसा टाइप ऑफ कैपेसिटर हुज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसे कैपेसिटर जिनकी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को आप बढ़ा या घटा सके इन्हें वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं और ये ज़्यादातर रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स में और ट्रांसमीटर्स में और इस तरह की जो जिसमें फ्रिक्वेंसी सेंसिंग टाइप काम होता है और उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद बेटा आपको साइड में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नज़र आ रहा है। जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करवाना होता है तो दो प्लेट्स को दो इलेक्ट्रोड के यानी कि एक जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप उसके दरमियान दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसमें से जब करंट पास ऑन किया जाए तो वो चार्ज आयनाइज हो जाए। तो बेटा इसमें जो आयंस की वजह से चार्ज की स्टोरेज होती है और वो एक पतली सी मेटल ऑक्साइड की तय बन जाती है, यहाँ पर शायद लिखा होगा मेटेलिक फाइड प्लस ऑक्साइड लेयर, तो ऑक्साइड लेयर की वजह से वो ऑक्साइड लेयर बतौर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है और इस तरह लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा है यूजेज ऑफ कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और रिसीवर ट्रांसमीटर और रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में। इसके अलावा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेबल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, वॉशिंग मशीन, एग्जॉस्ट फ़ैन, एयर कंडीशनर, कूलर, मोटर, वॉशिंग मशीन वगैरह, इन बहुत सारी होम अप्लायंसेस में इनका इस्तेमाल है। उसके अलावा बेटा कैपेसिटर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा जब हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी को डिस्टिंग्विश करना हो वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं और रेडियो सर्किट्स को जब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करना हो तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे सर्किट्स को फिल्टर सर्किट भी कहते हैं, ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं। आप बेटा इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे। कैपेसिटर आर यूज इन रेजोनेंट सर्किट दैट ट्यून अ रेडियो टू अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, सच सर्किट आर कॉल्ड ट्यूनिंग सर्किट, इन्हें आप फिल्टर सर्किट भी कहते हैं। तो बेटा ये आपकी एग्जांपल्स हो गई, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी बेटा आपको कोई इशू